यातायात नियमों की अवहेलना पर परिवहन विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कोविड के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद अनलॉक होने से अब तक आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा 15 अक्टूबर तक 631 चालान काटे गए हैं, जिस पर 8 लाख रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया है। इसके अतिरिक्त बिगडैल चालकों पर शिकंजा कसने के साथ वाहनों की चेकिंग नियमित तौर पर करते हुए सड़क सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। यातायात नियमों की अवहेलना पर चालान काटने के साथ चालकों को जागरूक भी किया जाता है कि वाहन चलाते समय उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस दौरान चालकों को सड़क सुरक्षा, ई परिवहन सेवाओं, न्यायालय और सरकारी आदेशों बारे जानकारी दी जा रही है, जिससे चालक इस बारे जागरूक होकर सड़क सुरक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें। गौरतलब है कि आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड धर्मशाला के अंतर्गत कांगड़ा, चंबा, ऊना व हमीरपुर जिले आते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों पर भी फ्लाइंग स्क्वाड लगातार निगरानी रख रहा था। पिछले वर्ष की बात की जाए तो आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड धर्मशाला 10,000 वाहनों, जिसमें बसें, कॉन्टेक्ट कैरिज, वोल्वो बसें, ट्रक, टैक्सी, स्कूल बसें और दो पहिया वाहनों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 3,790 वाहनों के चालान काटकर 67.69 लाख रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड धर्मशाला डॉक्टर संजय धीमान ने बताया कि बिगड़ैल चालकों पर लगाम कसने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अनलॉक 1 से 15 अक्टूबर तक जिला कांगड़ा, चंबा, ऊना व हमीरपुर में यातायात नियमों की अवहेलना पर 631 वाहनों के चालान काटकर 8 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। चालकों को सड़क सुरक्षा, ई परिवहन सेवाओं, न्यायालय व सरकार के आदेशों बारे बताया जा रहा है, जिससे चालक सड़क सुरक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें। जब ये लॉकडाउन हुआ था तो एसेंशियल सर्विसेज के अलावा सभी के सभी जो व्हीकल्स थे वो स्टॉप कर दिए गए थे, और उस दौरान भी जो है जैसे ट्रक्स थे, छोटी एनसीज थी, गाड़ियाँ थी, जिसमें जो हमारे ज़रूरी सामान जो था वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ज़रूरी था, तो उस दौरान हमने गवर्नमेंट की और कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो एक निगरानी रखी हमारी टीम ने, ताकि गवर्नमेंट की किसी भी गाइडलाइन को जो है वो वोलेट ना किया जा सके और कोरोना जो है स्प्रेड ना करे। एक्चुअली जहाँ तक लोगों को जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं ट्रांसपोर्ट में, उनको जागरूक करने की बात है, उनके चलान करने की बात है, तो उसका ब्यौरा मैं इस प्रकार आपको बताता हूँ कि 2019-20 में हमने 10,000 गाड़ियों की इंस्पेक्शन की थी, जिसमें ट्रक थे, टैक्सीज थी, बसेज थी, वोल्वो बसेज थी, और 3,790 डिफॉल्टर्स के चलान किए गए और 67.6 लाख जो है जुर्माना वसूल किया गया, वो सरकारी खजाने में जमा कराया गया। इसी तरह इस साल, क्योंकि ज़्यादातर 1 अप्रैल के बाद जो है लॉकडाउन की स्थिति थी, तो गाड़ियों का इतना आना जाना नहीं था, और जब से ये गवर्नमेंट ने फेज मैनर में ये लॉकडाउन खोला था और गाड़ियों का आगमन स्टार्ट हुआ था, तो तब से लेकर अब तक हमने जो है करीब 3,000 गाड़ियों की इंस्पेक्शन सुनिश्चित की है और 631 जो है डिफॉल्टर्स का चलान किया गया है, और लगभग 8 लाख की राशि जो है सरकारी खजाने में एज फाइन जो है हमने जमा कराया है। और इसके अलावा जो है चलान करने के बजाय हमारा एम्फेसिस ये रहता है परिवहन विभाग की तरफ से कि रोड सेफ्टी के बारे में और जो मोटर व्हीकल एक्ट है और रूल्स हैं उनकी अलग अलग जो गाइडलाइंस हैं, जो उनके वोल्यूशंस हैं, किस तरह से वोल्यूशन होती हैं, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सही ढंग से रखेंगे तो किस तरह से हम लोग जो हैं जुर्माने से बच सकते हैं। और साथ साथ में हाल में अभी ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक ई परिवहन सेवा जारी की है, जिसके अंतर्गत जो है कोई भी बंदा स्टेक होल्डर जो है, या कोई ड्राइवर है, या कोई मालिक है, बस का मालिक है, कोई भी ट्रांसपोर्टर है, उसको आरटीओ ऑफिस में या एसडीएम ऑफिस में, आरएलए ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, वो घर से बैठ के या लोक मित्र केंद्र या सीएसटी से अपना जो है किसी भी तरह की एप्लीकेशन जो है वहाँ से डाल सकता है, अपने लाइसेंस को अपग्रेड कर सकता है, अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स को जो है जिसमें परमिट है, आरसी है, उसको रिन्यू कर सकता है, और दूसरी जो परिवहन विभाग द्वारा जो सर्विसेज में इस पेपर जारी की गई हैं उनका लाभ उठा सकता है।